बिजनेस आईडी से सवाल है। इनका सवाल ये है कि इमाम गजाली की किताबें पढ़ी जा सकती हैं या नहीं। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबें जो तसव्वुफ़ पर हैं, सूफिज़म पर हैं और बातिन के ताल्लुक से हैं, यानी मोहलिकात के ताल्लुक से खुसूसन, तो उनको पढ़ा जा सकता है। बाकी उनकी वो किताबें के जो उनके ख़ास फ़िक्र के ऊपर है, तो क्योंकि वो हनफ़ी मज़हब नहीं थे तो इसलिए उन मसाइल को उनको पढ़ने से बचना चाहिए, वरना आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगी। और उन किताबों में भी जो बातिन से रिलेटेड हैं, उनके अंदर भी उन मसाइल पर या उस किस्म की हदीसें और बातें जो अपनी मसाइल से आपके हनफी फिक्र से टकराती हों, उन में अगर आप ना बहके तो उनको पढ़ना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें कि वो शाफ़ई मसलक के थे, तो उनके मसाइल वगैरह, उनके मसाइल से रिलेटेड या उनके मसाइल की दलाइल की हदीसें, उन पर आप तवज्जो रखें। कभी ऐसा ना हो गया वसवसे में पढ़ जाएं कि यार हदीस में ये है, हम तो ऐसा अमल करते हैं, तो जो आप अमल करते हैं वो किसी दूसरी हदीस में होगा, इसलिए अब वो आपका अमल रहा होगा। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sms.farsi.com पर और अपनी दीन और दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।